अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, तब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो सपना देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ हम बोलते नहीं है, हमारे पास है। राज्य में अगर 36% में सरकार बनना है तो 36% का आधा 18% हमारे पास है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, तब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो सपना देखना छोड़ दीजिए। कोई भी, चाहे एनडीए हो या यूपीए, अगर आपको सरकार बनाना है, जब तक बिहार में अति पिछड़ा समाज और निषाद समाज और वीआईपी पार्टी का समर्थन नहीं होगा तो आपका सरकार नहीं बनेगा। आज हमने अगर एनडीए में नहीं जाते तो आज एनडीए की सरकार नहीं बनता, ये हमने साबित कर दिया। और दो बार उपचुनाव में हमने वोट लाके दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी के पास निषाद समाज का वोटर ही नहीं, कार्यकर्ता बन चुका है निषाद समाज। वो एक एक वोट लेना जानते हैं और एक एक वोट लेते भी हैं और दूसरे से 10 को वोट लेने का भी काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बोछा में हमारे पास 22,000 वोटिंग कैपेसिटी है पोलिंग करने का, और हमने 22,000 के जगह 30,000 वोट आया, तो कहीं ना कहीं 8,000 वोट हमें एक्स्ट्रा मिला। और 8,000 एक्स्ट्रा मिलने के बाद समझिए कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने खून पसीना बहाकर मेहनत करके पार्टी में इतना वोट लाया। तो आने वाले समय में हम मजबूती से काम करेंगे। गोपालगंज में भी आपका एक बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाला है, भगवान करे कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है। हम नहीं चाहेंगे कि वो भगवान के पास चले जाए, लेकिन वो भगवान के पास अगर चले जाएंगे तो मजबूती से गोपालगंज में हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी शक्ति को दिखाएंगे। इसलिए अभी से पार्टी के सभी पदाधिकारी को कहूंगा कि गोपालगंज में मजबूती से संगठन गांव गांव बूथ बूथ आप पहुंचाने का काम कीजिए और तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि भगवान के पास जाएंगे तो 6 महीना का ही टाइम मिलेगा और 6 महीने में वहाँ चुनाव होना है और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होगा तो टेस्ट में आपको पास होना है, जो आपका वोट है। और बहुत ऐसे समीकरण है कि वहाँ पे अगर हम लड़ जाएंगे, कुछ लोग अभी से हमसे टिकट मांग रहे हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, और 40-45 हज़ार वोट उनको आया था, अगर उनको टिकट दे दे तो हो सकता है वो चुनाव भी जीत के जाएंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग काम करेंगे और पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और अपना विचारधारा को लेकर जिए और उनके लिए हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, यही हमारा आज किरदार है। तो एक व्यक्ति को समझने के लिए उनका किरदार ही काफ़ी है। और लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि गरीबी क्या है। आज मैं पूरे बिहार में गरीब का दर्द समझता हूँ। हमने निर्णय लिया 10 लाख पशु बाहर से अच्छे ब्रीड का लाएंगे और बिहार में SC ST अति पिछड़ा ऐसे गरीब समाज को हम लोग उनको देंगे 80% 90% अनुदान पे, ताकि घर पे पशु पाल कर अपना रोजगार करें, अपने घर परिवार को चलाएं। 7,000 करोड़ का खर्चा मैं कर रहे थे, लेकिन हमारे जो सहयोगी थे वो रोक दिए कि भैया अगर ये कर लेंगे तो गांव-गांव में मुकेश सहनी हीरो हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपका दुश्मन बहुत चालाक है, मजबूत है, और उससे भी ज़्यादा मजबूत हम हैं, क्योंकि हमारे पास वोट है। भाजपा ने तो पूरे शक्ति लगा दिया था ना बोझा में, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया। आज देश में आज उनका जमीन खत्म हो रहा है, वो डर भय दहशत दिखा के देश पे राज करना चाहता है। आप बताइए ना, जहां 17 साल का नौकरी उसको 4 साल कर दिया, आप बताइए गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा बॉर्डर पे जाता है, देश की सुरक्षा करने के लिए सीने पे गोली खाने के लिए जाता है, आप उसको 4 साल का नौकरी कर दिए, कैसे आप राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं? आपने आटा पे GST लगा दिया, आपने छाछ पे GST लगा दिया। आपको किसने कहा बड़े बड़े उद्योगपति को 1,000 करोड़ रुपया दो और उसको फिर माफ कर दो? आज गरीब के जेब से पैसा निकाल रहे हैं, उसका गरीब लोन माफ करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये आज देश में कहीं ना कहीं सही नीति से सरकार नहीं चला रही है। आज आपको और हमको जरूरी है कि उनको जवाब देना आने वाले समय में। आज बताइए, बना हुआ सरकार को गिरा दे रहे हैं, बना हुआ सरकार विधायक को आप खरीद ले रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र में संविधान पे आपको भरोसा नहीं है? तो ही ना आप एक एक विधायक को 150-150 करोड़ रुपया दे रहे हैं। भाई जनता ने वोट दिया विधायक को, 5 साल देखेगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, 5 साल के बाद निर्णय लेंगे। आपने पैसा देके खरीद ले रहे हैं, बना हुआ सरकार महाराष्ट्र में गिरा दे रहे हैं। 8 साल में आपने 8 उपलब्धि नहीं दिया,
आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, आपने 1 लाख रुपए नौकरी नहीं दे रहे हर साल में, और आप क्या कर रहे हैं, बना हुआ सरकार को गिरा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम लोग मजबूती से गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जरूरतमंद लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में आ गए। आज आप देखिए आरक्षण में आप किस तरीके से बदलाव लाए हैं। आप देश में जातिगत जनगणना कीजिए और जो जाति जितना परसेंटेज है, संख्या है, उनको उतना परसेंट आरक्षण दे दीजिए, लेकिन किसी को कम दीजिएगा, किसी को ज्यादा दीजिएगा, तो ये कैसे होगा। आज बिहार में अति पिछड़ा 35-36% है, आप उनको आज 16-17% आरक्षण में 18 में आप समेट दिए हैं। तो साथियों, इस देश में कुछ लोगों का वर्चस्व जम रहा है, उसको आने वाले समय में हम लोगों को खत्म करेंगे। अगर नहीं खत्म करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारे पूर्वज भी बहुत लड़ाई लड़े, अंग्रेज से लड़ाई लड़े, देश को आजाद कराए। जब एक दौर आया 75 में, सरकार तानाशाह हो गया, उनसे भी इमरजेंसी के समय में देश को अलग किया गया। और जब लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, ये सब मिलों ने लड़ाई लड़कर एक नया विकल्प दिया। उसी तरीके से हम लोगों को भी जरूरी आ गया है कि एक नया विकल्प दे, और खास करके ये काम जो है वो युवा ही कर सकता है, क्योंकि आपको ही आने वाले समय में रहना है। आज मैं निषाद समाज से हूँ, अगर मेरा 65-70 साल होता उम्र तो मैं थोड़े लड़ाई लड़ते रहता, बेड पे चढ़ जाता, अभी क्या, अभी 2-3 साल बचा है, राम राम करो फिर खत्म हो जाओ। अभी हमको मालूम है कि संसार में अभी हमको 35-40 साल रहना है, तो संघर्ष करेंगे, 5-10 साल लगेगा संघर्ष करेंगे। अब जैसे हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, देखते हैं, जबकि उनके पावर पे सरकार चल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो चाहते हैं मुसहर समाज के लिए, वो अपने समुदाय के लिए बेहतर कुछ कर देते। हमने विभाग में गया, मैंने देखा 15% योजना का पैसा SC ST के लिए फिक्स होता है कि इतना पैसा उनके लिए खर्च करना है। हमारे विभाग में 4 साल से खर्चा नहीं हो रहा था SC ST के लिए। फिर हमने विभाग को बुलाया, हमने कहा ये पैसा रखा हुआ इसको जल्द खर्चा करो, गांव में बकरी पालो, पालने के लिए फ्री में बकरी दो, सुगर पालने के लिए सुगर दो, योजना का लाभ उनको गरीब तक मिलना चाहिए ताकि वो चले। आज जीतन राम मांझी जी आवाज नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2-4 साल रहना है, क्यों अभी इधर उधर करें, पता चला ये जो कुर्सी है वो भी छिन जाएगा। इधर उधर लेफ्ट राइट कीजिएगा तो रिक्स तो है ना, हमने किया तो रिक्स है, लेकिन हमें पता है कि फिर कल आ जाएगा 2024 में 25 में फिर आना है और उसको झुकना है। तो हम इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हम रहेंगे नहीं, तो काहे के लिए इधर उधर करें, तो चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। तो हम में और उसमें यही फर्क है कि हमारे पास समय है, हम लड़ाई लड़ेंगे। आलोक जैसे युवा साथी जुड़े हैं, इनके पास भी समय है, हमारे साथ 35-40 साल राजनीति करेंगे। अभी नीतीश जी के पास समय ही नहीं बचा है, और उन्होंने उत्तराधिकारी भी नहीं बनाए, एगो को बनाया हमारे RCP जी को, तो उनको भी साइड कर दिए। अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तब तक उनकी पार्टी है, जिस रोज आंख बंद हो गए उनका उस तो पार्टी खत्म। तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, समय रहते हुए जो जहाज डूबने वाला है उस पे से उतर जाना चाहिए, यही होशियारी है, नहीं तो फिर डूब के खत्म। उनका जो समय था वो तो पूरा कर लिया है और अभी भी लड़ रहे हैं कैसे भी एक बार और फिक्स हो जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है, बिहार में बदलाव आने वाला है। तो आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, युवा साथी को, पार्टी के जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कार्यक्रम किया। और अभी जरूरी है कि गांव में घूम घूम कर जो हमारे विचार है, जो हम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है कि गांव-गांव में जाके बताने का, क्योंकि गांव में सबको पता नहीं है। तो अभी हमने भी एक कार्यक्रम बनाया है, मुकेश सहनी चले गांव की ओर, हम पूरे बिहार में गांव-गांव में घूमेंगे और अपनी बात को रखेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और आने वाले समय में अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे, ऐसे सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो
देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।